सर, जिंक और कॉपर में कोई व्यू बनता है या कोई अपॉर्चुनिटी निकलती है क्या इस समय? हाँ, बेस मेटल्स में हम लोग ने देखा है कि लास्ट 2-3 दिन में अच्छा खासा एक बाउंस देखने के लिए मिला है, और पूरा ही बेस मेटल पैक एक अच्छा खासा उछाल दिखाया है। आज थोड़ा सा गैप डाउन ओपनिंग हुआ है, हल्का सा सेलिंग प्रेशर है, बट ओवरऑल स्ट्रक्चर अभी भी लग रहा है कि यहाँ से बाउंस आना चाहिए। कॉपर में एक अच्छी खासी सेलिंग प्रेशर ऑलरेडी हो गई थी, और अभी ये जो बाउंस है ये मुझे लग रहा है कि शॉर्ट कवरिंग बाउंस और कंटिन्यू होना चाहिए। लगभग 675 तक के लेवल से हम लोग कॉपर फ्यूचर्स में देख सकते हैं, तो ये करंट लेवल से बाइंग की जा सकती है। नीचे में 640 का एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, और अपसाइड में 675 से 680 तक के एक रेजिस्टेंस है, वहां तक ये जा सकता है। जिंक की अगर बात करेंगे तो जिंक में मोमेंटम अगर ये 297 का लेवल क्रॉस करता है तो मोमेंटम पिकअप होगा, और उसके बाद में लगभग 308 तक के लेवल्स दिखा सकता है। तो अभी थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, या तो 298 के ऊपर बाय 297 के ऊपर बाय करें, या फिर इसमें थोड़ा और डिप आता है, 290 के अराउंड आता है, तो वहां पर बाइंग करके चले जिंक फ्यूचर्स में। एक और जो बेस मेटल है जहां पे मुझे लग रहा है कि करंट लेवल से एक अच्छा खासा मोमेंटम आ सकता है, वो है लेड। लेड का स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो वो एक रेंज ब्रेकआउट देने के वर्ज पे है। 179 का इसका ब्रेकआउट लेवल है, और 179 क्रॉस होता है तो यहाँ पे लगभग 183 तक के लेवल हम लोग देख सकते हैं। तो लेड में यहाँ पे करंट लेवल्स पे भी बाइंग कर सकते हैं, और 175 का एक मेजर सपोर्ट है, और अपसाइड में 183 184 तक के लेवल्स आने पॉसिबल है। जी, बहुत बढ़िया। तो ये बढ़िया तरीके से स्ट्रेटेजी और लेवल्स और सारे तरीके, कहाँ कहाँ क्या मौके निकल रहे हैं मुनाफा कमाने के कमोडिटी बाजार में, बताया हमें जेएम फाइनेंशियल से जय पुरोहित जी ने। बहुत बहुत शुक्रिया जय सर हमारे साथ में जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए। थैंक यू सो मच। वेलकम।